Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वागत है आप सभी का मानव संसाधन प्रबंधन जिसको कि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं उसके व्याख्यान नंबर एक में मैं डॉक्टर सुप्रिया जैन जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा से सबसे पहले आइए बात करते हैं स्रोतों की कहां से हमने इस विषय की सूची को लिया है जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिस्को डी आर शुल एस और क्लास एल दो हज़ार मानव संसाधन प्रबंधन बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए नीतियों और व्यवहार एन वाई रुटलेज की किताब से लिया है दूसरा कास्क्यो डब्ल्यू एफ दो हज़ार तीन मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स उत्पादकता कार्य जीवन की गुणवत्ता मुनाफा नई दिल्ली टाटा मैग्रो हिल से लिया गया है आगे हमने इसको लिया है गोमेज माजिया एल आर बालकिन डी और कार्डी एल आर मानव संसाधन प्रबंधन नई दिल्ली पी एच आई लिमिटेड पांडे एस आर बाग्स एन 2012 मानव संसाधन प्रबंधन पाठ और मामले नई दिल्ली पियर्सन से तो चलिए अब करते हैं मानव संसाधन विषय के बारे में सबसे पहले आप जानिए कि मानव संसाधन होता क्या है जिसको कि हम एच के नाम से जानते हैं मानव संसाधन वो लोग हैं जो हमारे संगठनों में व्यवसाय में कार्य करते हैं इसके आगे हम इसके बारे में जाने उससे पहले मेरा प्रश्न है क्या हम इसको कार्मिक या मानव संसाधन क्या कहना चाहिए इस विषय पे हम आगे चर्चा करेंगे उससे पहले हम मानव संसाधन के कुछ टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि मैनेजर प्रबंधन जिसको हम कहते हैं प्रबंधन एक व्यक्ति जो दूसरों का प्रभारी होता है और अपनी इकाई की सफलता को बढ़ावा देने वाले कार्य के समय पर और सही निष्पादकता के लिए जिम्मेदार होता है वह व्यक्ति जिसको कार्य कराना है अपने अंडर जो लोग हैं और उसको ये भी चेक करना है कि उसने वो कार्य सही समय पर सही क्षमता से परिपूर्ण किया है या नहीं है लाइन एम्प्लॉ जिसको कि हम लाइन कर्मचारी के नाम से जानते हैं कर्मचारी सीधे कंपनी के सामान का उत्पादन करने या सेवा देने में शामिल रहता है और स्टाफ एम्प्लॉय जो होता है वो उसके सपोर्ट में रहता है स्टाफ एम्प्लॉय जो लाइन एम्प्लॉ को सपोर्ट करेगा कहाँ से हमने इसको शुरुआत करी थी अगर हम एविल्यूशन की बात करें मानव संसाधन प्रबंधन के तो 1820 सौ में मिनिमम वेज रेट और इंसेंटिव वेज प्लान से हमने इसको शुरू किया था जिसमें बेबिलियन कोड ऑफ हूमाबी ने इसकी शुरुआत की थी 300 सौ में कौटल्य का अर्थशास्त्र के में जाना गया इसको और भारत में ये 1920 में आया जिसमें हमने एक अनुशासन के रूप में प्रबंधन की रुचि रखी उन्नीस में श्रम कार्यालय अधिकारियों के नियुक्त माध्यम से सरकार ने श्रमिकों के हित की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया 1948 जिसमें फैक्ट्रीज़ एक्ट की बात करी उसमें अपॉइंटमेंट हुआ लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स का कंपलसरीली। 1970 में लोगों के कार्यालय के चिंतित के संगठन के प्रदर्शन के लिए चिंता पर ध्यान केंद्रित कराया गया 1980 में राष्ट्र श्रमिक प्रबंधन संस्था और भारतीय श्रमिक प्रबंधन संस्था का विलय राष्ट्रीय क्रमिक प्रबंधन संस्थानों के रूप में हुआ और इसी के आगे 1980 दशक में चलते हुए लोगों और उनके मतभेदों को प्रतिबिंब करने के लिए नई तकनीकों पर चर्चा होने के कारण क्रमिक प्रबंधन एच में बदला गया 1990 की सदी में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट ने याद दिलाया कि इसका नाम हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रखना चाहिए और तभी से हम इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं और इसमें किस तरीके से प्रबंधन करते हैं किस तरीके से इनका ध्यान रखते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अगर हम पचास साल पहले की बात करें क्रमिक प्रबंधन का उद्देश्य दृढ़ता और न्याय दोनों प्राप्त करना होता था और उन पुरुषों और महिलाओं को एक साथ लाना एक प्रभावी संगठन के रूप में विकसित कराने का प्रयास करता है जो उधम बनाते हैं प्रत्येक को इसकी सफलता में अपने सर्वश्रेष्ठ योगदान देने में समक्ष बनाता है यह निर्योजित लोगों के लिए रोज़गार के उत्तम नियम और शर्तों के संतोषजनक काम प्रदान करना चाहता है जैसा कि मैंने पहले कहा था क्रमिक प्रबंधन और एच किस नाम से हमें इन्हें जानना चाहिए तो चलिए हम देखते हैं इन दोनों में हम किस तरीके से अंतर करते हैं क्रमिक प्रबंधन और मानव संसाधन प्रबंधन पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली रिएक्टिव अप्रोच है कुछ होने के बाद की इसमें हम क्या करते हैं प्रतिकालशील सेवा भूमिका निभाते हैं लेकिन हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या बात करेंगे प्रोएक्टिव अप्रोच की पहले से ही तैयारी करना रिएक्टिव का मतलब कुछ होने के बाद उस पर बात करना और प्रोएक्टिव का मतलब है कि पहले से ही उस विषय पे बात कर लेना पर्सनल मैनेजमेंट की प्रक्रिया क्रियावान पर जोर लगाती है जबकि मानव संसाधन की रणनीति पे जोर लगाती हैं कैसे स्ट्रैटेजी को बनाया जाए कैसे से पहले से ही ध्यान किया जाए कि किस तरह की कार्यभूमि हमें करनी है ताकि हम सफलता प्राप्त कर सकें पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो एक स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट है जबकि मानव संसाधन प्रबंधन एक सामान्य प्रद्वन गतिविधियों को देखता है जो लोगों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं चाहे वो किसी भी प्रकार की हों कोई स्पेशलिस्ट तरीके की समस्याएं नहीं जनरल तरीके की समस्याओं को ये देखता है पर्सनल मैनेजमेंट का फोकस है कि कैसे एम्प्लॉय की नीड को पूरा किया जाए जबकि मानव संसाधन ये देखता है कि उसकी क्या ज़रूरतें हैं उनको कैसे पूरा किया जाए आगे इसी में हम बात करें तो पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो कर्मचारियों को एक तरीके से लागत के रूप में देखता है उनके ऊपर किया जाने वाला खर्च उसको एक लागत लगता है जबकि मानव संसाधन प्रबंधन कहता है कि वो लागत नहीं है वो एक इन्वेस्टमेंट है जो आज हम उन पे लगा रहे हैं कल उसके प्रति उस कार्य को वो अच्छे से कर पाएंगे जिससे संस्थान का ही लाभ होगा पर्सनल मैनेजमेंट रिज्यूम करता है कि यूनियन मैनेजर की कन्फ्लिक्ट होंगी उनमें आपस में मतभेद होंगे लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कहना है कि उन मतभेदों को टीम मेंबर्स के द्वारा सुलझाया जा सकता है पूरा किया जा सकता है प्रेफरेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑफ पे एंड वर्किंग कंडीशन मानव संसाधन प्रबंधन कहता है मैनेजमेंट लेड प्लानिंग ऑफ पीपल रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉय कंडीशन यहाँ पर उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे मानव संसाधन पूरी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए ज़रूरत है जो एम्प्लॉज़ की उस पर जोर दे आगे इसी में बात करें तो पर्सनल मैनेजमेंट का जो ध्यान है वो पे पर है कि कैसे हम उनकी जो सैलरी है जो उनकी तनख्वाह है उसको हम आगे से आगे पूरा करें जबकि मानव संसाधन इम्फेस देता है जोर देता है कि कैसे हम उन्हें और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएं बेहतर बनाएं ताकि वो आज ही नहीं बल्कि आने वाले समय में भी अपने कार्य को परिपूर्ण तरीके से कर सकें मानव संसाधन का जो विषय है बेसिकली वो चाहते हैं कि लोगों के अंदर एम्प्लॉयज़ के अंदर एक वैल्यू ऐड की जाए कुछ नया जोड़ा जाए ताकि वो बेहतर तरीके से अपने कार्य को कर सकें पर्सनल मैनेजमेंट केवल एक सपोर्टिंग रोल प्ले करता है जबकि मानव संसाधन एक स्टिमुलेटिंग रोल प्ले करता है जो उसमें बदलाव लाने की कोशिश करता है उनको केवल सहायता ना देकर उनको सपोर्ट भी करता है पर्सनल मैनेजमेंट का जो रोल है वो बिज़नेस के गोल्स को पूरा करना है केवल कैसे बिज़नेस के गोल्स को पूरा किया जाए जो भी उनके ऊपर इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं या जो भी उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं उसको पूरी तरीके से देखें जबकि मानव संसाधन उनके सारे ही कमिटमेंट्स को पूरे करने में परिपूर्ण है। पर्सनल मैनेजमेंट लेस फ्लैक्सीबल अप्रोच रखता है वो बहुत ज़्यादा लचीलापन या तैनाती के साथ उनको देखता है जबकि मानव संसाधन कर्मचारियों को तैनाती के लिए पूरी तरह से लचीली दृष्टिकोण है जिसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं ताकि जो कर्मचारी हैं वो अपने कार्य को अच्छे से कर सकें अब हम बात करेंगे मानव संसाधन के कार्य की क्या फंक्शंस वो प्ले करता है क्या क्या ऐसे रोल हैं जिनको वो एक प्रबंधन में एक संस्थान में पूरा करेगा सबसे पहले उसमें बात करते हैं स्टाफिंग की स्टाफिंग एक ऐसा कार्य है जिसमें मानव संसाधन प्रबंधन का जो कार्य है उसमें लोगों को लाना सही इंसान को सही जगह पर रखना ताकि उनकी हम जो क्षमताएँ हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें और संस्थान का जो ऑब्जेक्टिव है जो गोल है उसे पूरा किया जा सके तो इसमें स्टाफिंग में जो मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य है वो एक संगठन के भीतर काम की आवश्यकताओं का पहचान करना किस तरीके की रोल्स की रिक्वायरमेंट है किस तरीके की हमारे यहाँ जॉब्स हैं ताकि उन्हीं के परिपूक हम लोगों को ढूंढ सकें काम कराने के लिए आवश्यक लोगों की संख्या कितने लोगों की ज़रूरत होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हमारी संस्था को ताकि हम उसके हिसाब से लोगों का चयन कर सकें उनको निर्धारित कर सकें और योग्य उम्मीदवारों का चयन करना और प्रचार करना ताकि हम सही लोगों को ला सकें उनका प्रचार करें रिक्रूटमेंट करें सही लोगों का सिलेक्शन करें और उनको सही जगह पर प्लेस कर दें इसके बाद आता है जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसको हम नाम देते हैं रिटेंशन का लोगों को लाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है लेकिन उनको अपने संस्थान में रोके रखना वो हमारे संस्थान के लिए कार्य करते रहें वो एक बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी है क्योंकि आज की जो संस्थाएं हैं जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसमें जो लोग हैं वो बहुत जल्दी जल्दी संस्थान को छोड़ देते हैं और जैसा हमने कहा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने द्वारा किया गया ह्यूमन रिसोर्स पे खर्चे को कॉस्ट ना समझ के इन्वेस्टमेंट समझता है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी भी है कि हमारे यहाँ के लोग हमारे यहाँ रुकें रिटेन करें तो उसमें कर्मचारियों को अपना काम प्रभावी ढंग से करने के लिए पुरस्कृत करना अगर आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं उनको पुरस्कृत कर रहे हैं उनके कार्य के लिए तो उनका मोटिवेशन बना रहता है जिसकी वजह से वो आपकी संस्थान से लंबे जमे तक जुड़े रहते हैं दूसरा कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच समझ से पूर्ण कार्य संबंध सुनिश्चित करना उसमें रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है कि इम्प्लॉई एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप्स बने रहें आपस में वो मिल के रहें अगर हम एक दूसरे की बात को समझते हैं एक दूसरे की बात को कहना जानते हैं तो हमारी हद बहुत हद तक ये आ, ये संभव है कि आप एक संस्थान से जुड़े रहते हैं तीसरा एक सुरक्षित स्वास्थ्य कार्य वातावरण बनाए रखना ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें सेफ्टी उन्हें हेल्थ के प्रति कोई भी तकलीफ ना हो जिससे कि वो अपने कार्य को अच्छे से कर सकेंगे कुछ भूमिकाएं हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो बहुत ज़रूरी हैं उन्हें पूरी तरीके से निभाना तीसरा जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो है डेवलपमेंट का विकास का किसी भी संस्थान को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे मानव संसाधन का हम विकास करें लोगों का जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा उनकी ग्रोथ नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए संस्थान के विकास के लिए मानव संसाधन का विकास होना बहुत ही महत्वपूर्ण है तो कर्मचारियों के ज्ञान कौशल उनकी क्षमताएं और अन्य विशेषताओं में सुधार करने उनकी नौकरियों में उनकी क्षमता को बनाए रखने के लिए बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट का भी ये कार्य संभालता है मानव संसाधन प्रबंधन ये भी देखता है कि कैसे कर्मचारी आपके संस्थान में समायोजन कर सके एडजस्ट कर सके वहाँ रह पाए उसके लिए वो संगठन के मानव संसाधन नीतियों और व्यवसायिक रणनीतियों के अनुपालन को बनाए रखने के उद्देश्य में स्ट्रैटेजीज़ बनाता है पॉलिसीज़ बनाता है ताकि वहाँ काम कर रहे लोगों को कहीं कोई परेशानी ना हो और वो अपने कार्य को अच्छे से निभा सकें इसके ही चलते मानव संसाधन प्रबंधन का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है वो है मैनेजिंग चेंज मैनेजिंग चेंज मतलब प्रबंधन बदलना चल रही प्रक्रिया जिसका उद्देश्य किसी संगठन की अपनी बाहरी और आंतरिकी वर्ण में विकास का अनुमान लगाने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता को बढ़ाना है और सभी स्तरों पर कर्मचारियों को परिवर्तन का सामना करने में समक्ष बनाए रखता है तो ये जो कार्य हैं मानव संसाधन प्रबंधन के जिसमें हमने देखा कि कैसे एम्प्लॉज़ को लाना उनकी स्टाफिंग करना फिर उन्हें अपने व्यवसाय में रोके रखना उनका रिटेंशन करना उनका डेवलपमेंट करना उनको एडजस्ट कराना और उनके साथ साथ प्रबंधन बदलना जिसमें कि हम मैनेजिंग चेंज की बात कर रहे हैं ये कार्य परिपूर्णक मानव संसाधन प्रबंधन में किया जाता है चलिए समझते हैं मानव संसाधन विभाग की जिम्मेदारियाँ कुछ कार्य हमने समझे अब हम बात करेंगे उनकी जिम्मेदारियों की उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटियों की जो जो कार्य हमने समझे उसमें अंतर्गत आता क्या है क्या चीज़ें वो देखते हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना है तो सबसे पहले अगर हम स्टाफिंग की बात करें स्टाफ की बात करें तो इसमें मानव संसाधन प्रबंधन को देखना है नौकरी विश्लेषण इस नौकरी विश्लेषण पे हमारा पूरा एक व्याख्यान भी है जो हम आगे पढ़ेंगे लेकिन जॉब एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं किस तरह की नौकरियां हैं उन नौकरियों को करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी कैसे लोग चाहिए का क्या कार्य किया जाएगा उसकी पूरी विश्लेषण करना मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य है मानव संसाधन योजनाएँ बनाना कैसे हम कर्मचारियों को भर्ती करेंगे रिक्रूटमेंट कैसे होगा उनकी नागरिकी उनकी अधिकारी कानूनी और विनियमों का अनुपालन करना जितने भी हमारे रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं पॉलिसीज़ हैं कैसे हम उन्हें एप्लीकेशन ब्लैंक्स भरवाएंगे उनका किस तरह से यू नो प्रदर्शन प्रशिक्षण होगा साक्षात्कार होगा उनका परफॉर्मेंस कैसे वैल्यूट होगा कैसे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा इन सारी चीज़ों पे जो ध्यान दिया जाता है वो मानव संसाधन प्रबंधन के द्वारा ही दिया जाता है किसी भी कर्मचारी को संगठन में लाने से पहले एक बहुत बड़ी प्रक्रिया की जाती है जिसको कि हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं उनके बारे में जानना उनके बैकग्राउंड चेक करना उनका इंटरव्यू लेना उनका टेस्ट कराना उनके एक्सरसाइजेस कराना ये सारी ही चीज़ें आपकी स्टाफिंग में आती हैं जिसके बाद एक सही कर्मचारी आप चयन करते हैं अपनी संस्थान के लिए ताकि आप सही तरीके से उससे कार्य करा सकें इसमें दूसरा जो था रिटेंशन जिसकी हमने बात करी अवधारणा की इसमें ध्यान देते हैं उनके कंपनसेशन और बेनिफिट्स का मुआवजा और लाभ कोई भी कर्मचारी संस्थान से तभी जुड़ा रहता है जब उसकी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जैसे उसको क्या मुआवजा दिया जाएगा किस तरीके से लाभ मिलेगा उसको उसका संबंध कैसा है कर्मचारी का अपने संस्थान के साथ उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा कर्मचारियों को किस तरह की सेवाएं दी जा रही हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें सुनिश्चित करते हैं तीसरा जो हमारा रोल था वो है डेवलपमेंट का जिसमें कानूनी रूप से ध्वनि प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली मनोबल सर्वेक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण प्रबंधन और संगनाटम विकास कैरियर योजना परामर्श मानव संसाधन अनुसंधान का विकास ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम सही तरीके से परिपूर्ण करें और मानव संसाधन प्रबंधन को आगे बढ़ाएं। मानव संसाधन विभाग की आगे जिम्मेदारियाँ जो हैं वो एडजस्टमेंट में हैं जिसमें वो ये देखते हैं कि अगर कोई कर्मचारी जिसकी कोई शिकायत हैं अगर उसके मन में कोई ग्रीव्यांसिस हैं कोई कंप्लेंट्स हैं तो कैसे हम उनको दूर कर सकें उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें उनको रिटायरमेंट काउंसलिंग दे सकें ताकि वो यहाँ से जाने के बाद भी अपने कार्य को अच्छे से करते रहें मैनेजिंग चेंज में उनकी जिम्मेदारियाँ हैं कि कैसे हम उनको फैसिलिटेट करें कि ओवरऑल प्रोसेस जो है वो हमारा सही है या नहीं इसमें आगे हम बात करेंगे एच की चुनौतियाँ जैसा कि हमने कहा कि मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य जो कि वो परिपूर्ण करता है उसमें क्या क्या परेशानियाँ आती हैं क्या क्या उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो उन चुनौतियों को हम कई प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरण चुनौतियां, जो एनवायरनमेंट है हमारा जिस एनवायरनमेंट में हम कार्य कर रहे हैं उसमें उनको क्या चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ते हैं किस तरह की समस्याओं का उनको यू नो you know, सामना करना पड़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे तो पर्यावरण समस्याएं जैसे कि हम जानते हैं पर्यावरण की वो समस्याएं जो हमारी एक्सटर्नल फ़ोर्स में आती हैं इंटरनल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की प्रॉब्लम्स हैं लेकिन जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो संगठन के बाहर की क्या क्या समस्याँ हैं एक्सटर्नल फोर्सेस उन्हें क्या क्या दिक्कतें देती हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भी पर्यावरण में चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ही जल्दी आ रहे हैं तेज़ी से पर्यावरण में बदलाव इतना जल्दी जो बदलाव हो रहा है टेक्नोलॉजी से अगर हम बात करें तो हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है हर दिन कुछ नया आ जाता है तो उस तरीके से जब हम चीज़ों को लागत करने की कोशिश करते हैं शुरुआत करने की कोशिश करते हैं और उनमें जल्दी, जल्दी जल्दी जब बदलाव आते हैं तब बहुत सारे चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ते हैं न्यू कंपनी टाउनशिप नई कंपनियों की टाउनशिप्स खुल रही हैं डीलिंग विद स्ट्रेस आज के समस्याएं ये बहुत ज़्यादा है कि आपके जो मानव संसाधन हैं उसमें एक आमूमन सी बात है कि हर इंसान के साथ एक स्ट्रेस की समस्या है तो कैसे उनके स्ट्रेस से डील किया जाए कैसे उनकी चुनौतियों को परिपूर्ण किया जाए वर्क डाइवर्सिटी आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है कि डाइवर्सिटी हो तरह तरह के लोग साथ में मिल काम करें चाहे वो अलग उम्र की बात की जा रही हो या वो अलग जेंडर की बात की जाती हो या अलग कल्चर की बात की जाती हो अलग रिलीजन की बात की जाती हो लेकिन जब हम एक जगह पर सारी डाइवर्सिटी की बात करते हैं बहुत सारे तरह तरह के लोग एक जगह पे कार्य करते हैं तो उनको सेटिस्फाई करना उनका एक साथ कार्य कराना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है इसी में हम बात कर रहे हैं इन्वामेंट पर्यावरण जो चेंजेस हैं राइज़ ऑफ इंटरनेट आप जानते हैं कि इंटरनेट के उदय होने से इंटरनेट के यू नो ज़माने में आने से जो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं सारी चीज़ें कहने को बहुत आसान है लेकिन जब हम इनका इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें बहुत हद तक दिक्कत देता है नेसेसिटेटिंग बेटर रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है कि लोगों की जो राइटिंग स्किल्स हैं जो संचार कौशल की आवश्यकता है वो सही हो कैसे वो इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो से डील करेंगे श्रमकों और कंपनियों को पता हो कि उन्हें क्या चाहिए ब्रेकिंग डाउन ऑफ लेबर मार्केट ब्रेन्स बैरियर्स वर्कर्स एंड कंपनीज नो वेदर टू गेट वेद दे नीड इट और नॉट इनेबलिंग एच आर टू फोकस ऑन मैनेजमेंट ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है जिसमें कि हम चाहते हैं कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है मानव संसाधन प्रबंधन है वो बदलाव लाए कि मैनेजमेंट कैसे उनसे डील करें आगे हम एनवायरमेंटल चेंजेस में बात करें तो हमें जान हम जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें देता है आज के ज़माने में कुछ भी पर्सनल नहीं है सारी चीज़ें ग्लोबलाइज हैं इंटरनेट का ज़माना है जैसे हमने कहा कि हर दिन नई टेक्नोलॉजी आती है राइज़ ऑफ इंटरनेट होने के कारण ग्लोबलाइजेशन होने के कारण हर चीज़ को एक स्तर पर समझना वर्क फॉर्स डाइवर्सिटी को भी हम इसमें इंक्लूड करके चल रहे हैं तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो हमें एक साथ निभानी है और इनका सही इनको सेटिस्फाई भी करना है और इनसे काम भी कराना है वर्ल्ड वाइड रिक्रूटिंग आज के ज़माने में जो लोगों का रिक्रूटमेंट हो रहा है वो वर्ल्ड वाइड रिक्रूटमेंट हो रहा है आप किसी एक जगह से लोगों को नहीं लाते हैं आप पूरे विश्व से लोगों को रिक्रूट करते हैं जिनका नेचर अलग है जिनका कल्चर अलग है जिनका रिलीजन अलग है अब उन सभी लोगों को एक साथ एक व्यवसाय में एक टीम के साथ जोड़े रखना आपस में एक दूसरे के साथ काम करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल मेटामॉर्फिस जो बदलाव आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में लोगों की ज़रूरत कम है और मशीन द्वारा काम आज के ज़माने में जब हम बात कर रहे हैं ए की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें कि हम एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं चैट जी की बात करते हैं तो इतने सारे जो बदलाव आ रहे हैं उसमें कैसे हम मानव संसाधन को जोड़े रखें और उनको सेटिस्फाई करें नौकरियों को बचाए रखें ग्लोबल अलाइंस हो रहे हैं आपस में बड़ी बड़ी कंपनियां जो अलग अलग विश्व में काम कर रही हैं वो आपस में जुड़ रही हैं उनके मैनेजमेंट को हम किस तरीके से जोड़े रखेंगे वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं एक वर्चुअल वर्कफोर्स की बात करते हैं हम जो मशीनी द्वारा हमें जोड़े रख रही हैं वर्क फ्रॉम होम जो ये सारा कल्चर है जिसमें आप एक जगह नहीं बैठे हैं लेकिन अलग अलग जगह पे बैठ के एक साथ आप काम कर रहे हैं उसमें ये सारी समस्याएं वेज कॉम्पिटि कॉम्पिटिशन ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ये जो कुछ विषय हैं जिनमें मानव संसाधन को चुनौतियों का परिपूर्ण करना पड़ता है आगे हम इसी में जा बात करें गोमेज मेज़िया की किताब से हमने लिया है बालकिन और कार्डी कहते हैं कि एनवायरमेंटल चेंज में लेगिस्लेशन भी आता है विधान संविधान जिसे हम कहते हैं हमारे विश्व का अलग है दूसरे विश्वों का लेगिस्लेशन अलग है तो कैसे उन सारे लेबर एक्ट्स अलग हैं कुछ लॉज uh, अलग हैं तो उन सबको हम अपने व्यवसाय में अपने uh, संस्थान में जोड़े रखें उनको उनको निभा सकें उसके लिए हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इवॉल्विंग वर्क एंड फैमिली रोल्स डूअल करियर फैमिलीज चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर ये सारी ही चीज़ें जो इनमें बदलाव ला रही हैं वो कहीं ना कहीं इन सबको बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बनाती हैं कौशल की कमी और सेवा क्षेत्र का उदय जैसे कि हम बात करते हैं स्किल्स की आज के समय पे लोगों के अंदर कौशल की कमी देखी जा रही है बहुत समस्याएं होती हैं ये ढूंढने में कि एक सही मानव संसाधन आपको मिले ताकि आपके जो कार्य हैं उनको वो सही तरीके से कर सकें और सर्विस सेक्टर में जो बढ़ोतरी हो रही है जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं उसमें लोगों की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर पूरी करने में समस्याओं का समाधान करती है नेचुरल डिज़ास्टर्स भी कहीं ना कहीं हमें दिक्कत देते हैं एनवायरनमेंट में ये चुनौतियां आती हैं आगे हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस की अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बात करें तो एक संस्थान के रूप में किस तरीके से हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है तो उसमें सबसे पहले है एक फर्म के लिए आंतरिक चिंताएँ या समस्याएँ जैसे कि कॉस्ट क्वालिटी एंड डिस्टिंगटिव क्वालिटीज़ कैपेबिलिटीज़ जिसमें हम देखते हैं कि हमारी कॉस्ट भी कम हो हमारी लागत कम लगे हमें बढ़िया क्वालिटी मिले और बढ़िया अलग अलग क्षमताओं से लोग काम कर सकें विशेष क्षमताओं से लोग काम कर सकें कैसे हम कंट्रोल करें कॉस्ट को क्वालिटी को बढ़ाना है और नई नई क्षमताओं को क्रिएट करना है ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस में डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें कि लोग क्या कर रहे हैं एक जगह से चैनलाइज़ करते हैं चीज़ों को एक ही इंसान है जो पूरी तरीक़ों को चैनलाइज़ कर रहा है जिसको कि हम डी का नाम देते हैं डाउन साइजिंग आज के ज़माने में हर कोई चाहता है कि लोग कम हो और मशीन ज़्यादा हो तो जहाँ पर डी डाउन साइजिंग की बात कर रहे हैं धीरे 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 करके नौकरियाँ कम हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशनल का रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है उसमें बदलाव आ रहा है मैनेज करना है सेल्फ़ वर्क टीम्स को आपस में लोग किस तरीके से अपने आप को सेल्फ मैनेज करें स्मॉल बिजनेसेस को ग्रोथ भी एक बहुत बड़ा ये चुनौती देती है कि किस तरीके से हम मानव संसाधन को सुनिश्चित कर सकें कि उनकी नौकरियाँ सुरक्षित हैं और उनको सही तरीके से कार्य कराया जाएगा संगठन की चुनौतियों में आगे अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रेगुलरिटीज़ जो कि व्यवहारिक नियमितों का अवेलन किया जाता है उनके नॉर्म्स का खंडन करना डोमिनेंट वैल्यूज़ जो अपोज की जा रही हैं ऑर्गेनाइजेशन से उनकी फ़िलासफ़ी दर्शन के जो संगठन की नीति का मार्गदर्शन करता है उनके क्या नियम रहेंगे किस तरीके से क्लाइमेट में चेंजेस आएंगे तकनीकी बदलावों से बहुत ज़्यादा इसमें अंतर आया है जैसे टेली का राइज होना एथिक्स ऑफ प्रॉपर डेटा यूज़ का होना इलेक्ट्रॉनिक नागरिक निगरानी जिसको कि हम मॉनिटरिंग का नाम देते हैं और मेडिकल टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस में आगे हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरी है कि हम मानव संसाधन को एक सेफ्टी और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें उनका डेटा सुरक्षित कर सकें आउटसोर्सिंग कर सकें और उत्पाद को अखंडिता मीन्स प्रोडक्ट इंटीग्रिटे इंटीग्रिटी की हम बात करें अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं एचआरएम चुनौतियों का जैसे कि हमने एनवायरनमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की चुनौतियों के बारे में बात की अगर हम इंडिविजुअल चुनौतियों की बात करें तो इंडिविजुअल चुनौती कहती है कि सही लोगों को सही तरीके की ऑर्गेनाइजेशन मिलाना यहाँ पर बहुत बड़ा एक चैलेंज देखने को मिला है क्योंकि एक इंसान को उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर जॉब मिलती है और संस्थान को उसी तरीके का इंसान मिलता है कर्मचारी मिलता है तो दोनों ही अपने कार्य को अच्छे तरीके से परिपूर्ण कर पाएंगे लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे ऐसे लोग सुनिश्चित किए जाएं या ऐसे लोगों का आ, यू नो चयन किया जाए ताकि दोनों में एक मिस फिट ना हो और एक राइट बैलेंस क्रिएट हो सके एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंडिविजुअल की एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैच होना किसी ऑर्गेनाइजेशन से किसी संस्थान से वो देखना बहुत ज़रूरी है नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी जिसे हम कहते हैं एक मानव संसाधन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके की एथिक्स और वैल्यूज़ को किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेकअप करता है ताकि वो संगठन और संस्थान के विषय से मैच कर सकें प्रोडक्टिविटी एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना उसकी उसके एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना भी बहुत इम्पॉटेंट है उसकी एबिलिटीज़ को समझना एक जो एम्प्लॉ है उसकी क्षमताएँ कितनी हैं वो किस हद तक आगे जा सकता है किस तरह से वो अपने परिपूर्ण को पूरा कर सकता है उसकी एबिलिटीज़ को समझना उसको मोटिवेट करना बिना मोटिवेशन के एम्प्लॉ कार्य तो करेगा लेकिन उस कार्य में सफलता हासिल नहीं हो पाएगी तो बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉ को मोटिवेट किया जाए उसको हमेशा प्रेरित किया जाए कि किस तरीके से वो आगे बढ़े एम्पावर करना अधिकर्ता जिसको हम नाम देते हैं एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि हम उन्हें सुनिश्चित कर सकें कि वो इस कार्य को आगे कर सकते हैं ब्रेन ड्रेन ना हो ब्रेन ड्रेन का मतलब ये है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ काम ना करके जैसे हम भारत की बात करते हैं वो यहाँ ना काम करके अगर विश्व के किसी और जगह काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे उनको अपने जो लोग हैं उन्हें हम यहाँ से जाते हुए दूसरे विश्व में काम करने के लिए भेज रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हम इतनी नौकरियाँ या इतने संगठन या इतने व्यवसाय हम उन्हें प्रोवाइड कर सकें ताकि ब्रेन ड्रेन ना हो जो हमारे यहाँ के लोग हैं जो यहाँ कार्य कर सकते हैं और हमारे देश को हमारे विश्व को आगे बढ़ा सकते हैं उन्हें रोकने की कोशिश करनी है जॉब इनसिक्योरिटी जो लोगों के मन में है उसे कैसे हम पूरा करें ताकि वो अपने अपने जॉब को अपने काम को सुरक्षित महसूस कर सकें और यही सारी चीज़ें उन्हें प्रेरणा और मोटिवेशन देती हैं अब हम बात करेंगे एच के डेफिनेशनस की एच को अगर हम डिफाइन करें और एच को अगर हम समझने की कोशिश करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ये किस तरीके का प्रबंधन है इसमें किस तरीके से कार्य किए जाते हैं तो एच आर एम एक संगठन में कार्य कर रहे लोगों के संबंध के बारे में हैं ये वो लोग हैं जो संगठन को संगठन बनाते हैं जैसा कि हम जानते हैं किसी की व्यवसाय को चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स जो एक कर्मचारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पूरी भूमिका निभाता है क्योंकि अगर हम रिसोर्सिस की बात करें बाकी जितने भी रिसोर्सेज हैं आप मटेरियल uh, की बात कीजिए आप मनी की बात कीजिए आप मशीन की बात कीजिए ये सारे ही सारे रिसोर्सेज किसी काम के नहीं है अगर ह्यूमन रिसोर्स ना हो यही एक ऐसा रिसोर्स है बाकी के रिसोर्स को जो कार्य कराता है और जिसकी वजह से ये कार्य परिपूर्ण हो पाता है तो मानव संसाधन एक संगठन में कार्य कर रहे लोगों के संबंध में गतिविधियों का अध्ययन करना है ये एक प्रबंधनीय कार्य है जो किसी संगठन की आवश्यकताओं को उनके कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं से मिलाने का प्रयास करता है सो तो मानव संसाधन प्रबंधन का जो मेन फोकस है वो ये है कि कैसे हम उन कर्मचारियों को और उन संगठन को आपस में मिलाएं ताकि संगठन को वो लोग मिल सकें जो उनके कार्य को पूरा कर सकें और कर्मचारियों को वो संगठन मिल सके जहां वो अपनी क्षमताओं को अपनी प्रतिभाओं को दिखा सकें तो इनका जो राइट right फिट है उसको परिपूर्ण करने की जो जिम्मेदारी है वो मानव संसाधन प्रबंधन की जिम्मेदारी है और यही मानव संसाधन का पूरा प्रबंधन है जिसमें कि हम कर्मचारियों की देख उनके आने से ले उनको मोटिवेट करना उनको डेवलप करना उनको रिटेन करना और कैसे हम उनको आगे ले जाते हैं इसके बारे में हैं एम एल के अनुसार अगर हम देखें तो मानव संसाधन प्रबंधन का संबंध किसी संगठन के लिए सर्वोत्तम संभव कर्मचारी प्राप्त करने और उनकी देखभाल करने से है कैसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल है उसमें आप बेस्ट एम्प्लॉय को लेकर आते हैं जिसमें हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की बात करते हैं रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप बहुत सारे एप्लीकेशंस को इनवाइट करते हैं ताकि आप एक सही कर्मचारी को चयन कर सकें सही कर्मचारी अगर आपने चयन किया है तो उसके उसको रिटेन करना ऑर्गेनाइजेशन में एक लंबे समय तक वो जुड़ा रहे कार्य करता रहे वो बहुत ज़रूरी है ताकि वो रहना चाहते हैं और अपनी नौकरियों में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हों तो मानव संसाधन जो है वो इन सभी के परिपूर्ण हैं इन सभी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है मानव संसाधन के जिस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं आइए उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं जैसा हमने कहा सही व्यक्ति को सही काम पर रखना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में संस्थान में सही कर्मचारियों को लाएं लेकिन अगर उस कर्मचारी को हमने सही जगह पे नहीं रखा सही कार्य पे नहीं रखा तो शायद हमारा पर्पस फुलफ़िल नहीं होगा इसलिए मानव संसाधन प्रबंधन का सबसे पहला जो कार्य है सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो ये है कि कैसे वो एक सही व्यक्ति को सही कार्य पे रखते हैं दूसरा संगठन में नए कर्मचारियों को शुरू कराना जिसको कि हम इंग्लिश में इम्प्लॉय ओरिएंटेशन का नाम जानते हैं ओरिएंटेशन का मतलब है कि आए हुए किसी भी कर्मचारी को अपनी संस्थान के बारे में जानकारी देना क्योंकि जब एक कर्मचारी नया कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उस संस्थान के बारे में वो जान सके या उसको मालूम हो कि किस चीज़ को किस तरीके से करना है तो उसके लिए एम्प्लॉयी को हम क्या करते हैं संगठन में शुरू करने से पहले उसका ओरिएंटेशन करते हैं उस ओरिएंटेशन में उसको बताया जाता है संस्थान के बारे में उसके नियम के बारे में उसके कायदे कानून के बारे में किस तरीके से उसको कार्य करना है कौन उसको सुपरवाइज़ करेगा कौन उसका मैनेजर रहेगा किस तरीके से उसे अपने कार्य को आगे बढ़ाना है उन सारी चीज़ों की उनको जानकारी दी जाती है ताकि वो इस संस्थान को समझ सकें उसके लोगों को समझ सकें और अपने कार्य को सही तरीके से निभा सकें दूसरा इसमें कर्मचारियों को उनके लिए नई नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करना एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग देना मानव संसाधन प्रबंधन का केवल इम्प्लॉय को लाना ही कार्य नहीं है उस कार्य को वो सही तरीके से निभा सकें उसके लिए उन्हें ट्रेन करना उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना किस तरीके से उनका स्कैड्यूल बनाना है ताकि वो उस नई कार्य को समझ सकें और उस कार्य पे अच्छे से काम कर सकें सो तो कर्मचारियों को उनकी नई नौकरियों के लिए प्रशिक्षण देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो मानव संसाधन प्रबंधन के रूप में पूरी की जाती है विभाग के प्रत्येक व्यक्ति के कार्य प्रदर्शन को सुधार करना हर एक एम्प्लॉय के जॉब को परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना और वो कैसे होगा जब उनकी जो क्षमताएं हैं उनका एनालिसिस किया जाएगा प्रेजेंट परफॉर्मेंस को स्टडी किया जाएगा उसके बाद देखी जाएंगी कमियां और उन कमियों को कैसे पूरा करना है किसको किस क्षेत्र में ट्रेनिंग देनी है कैसे उनको डेवलप कराना है ताकि वो अपने कार्य को सही तरीके से सही क्षमताओं के साथ पूर्ण कर सकें सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो केवल इम्प्लॉय को लाना ही नहीं है लाके उसको सही जगह पर प्लेस करना सही जॉब देना उस कर्मचारी को संस्थान के बारे में बताना सुनिश्चित करना कि वो जो संस्थान ज्वाइन कर रहा है वो किस तरह की किस संस्थान है कैसे कार्य कराती है किस तरीके की उपेक्षाएँ रखती है उसके बारे में उसको बताना उसको नौकरियों के लिए तैयार करना उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना इतना ही नहीं मानव संसाधन प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो वो रचनात्मक योग्यता सहयोग प्राप्त करना और विवाह के साथ सुचारू कार्य संबंध विकसित कराना मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप की बात करें ताकि लोग मिल एक साथ कार्य कर सकें एक दूसरे से जुड़े रहें और उस कार्य को समझ सकें कि कैसे हमें टीम को कोऑर्डिनेट होके उस कार्य को पूरा करना है किसी भी संस्थान का कार्य कोई एक कर्मचारी नहीं पूरा कर सकता हमें ये समझना होगा हमें ये जानना होगा कि एक संस्थान जो है वो हमेशा टीम वर्क है और टीम वर्क कब होता है जब हम आपस में मिल के करके एक दूसरे के साथ उस कार्य को समझने की कोशिश करते हैं आपस में एक दूसरे को समझने की कोशिश करने के साथ साथ उस कार्य को पूरा करते हैं तो मानव संसाधन प्रबंधन इस बात का भी ख्याल रखता है कि कैसे आपस में लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वर्किंग रिलेशनशिप्स कैसे हैं उस डिपार्टमेंट में ताकि कार्य को आगे सही तरीके से पूरा किया जा सके अधीनस्थों को उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व के बारे में निर्देशित करना मानव संसाधन की ये भी एक ड्यूटी है कि सारे एम्प्लॉइज़ को सारे कर्मचारियों को उनके रोल्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके क्या नियम हैं उनके क्या निर्देशन किया जाता है क्या कर्तव्य उन्हें पूरे निभाने हैं उनके बारे में बताना भी है किसी भी इम्प्लॉयी को किसी भी इम्प्लॉयी की क्या जिम्मेदारियाँ होंगी उससे क्या उपेक्षाएँ हैं उसके बारे में सुनिश्चित करना मानव संसाधन का ये रोल है विवाह के प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं ना केवल उनको ट्रेनिंग देना कि वो प्रेजेंट जॉब के लिए जो जॉब है जिस कार्य को वो पूरा कर रहे हैं केवल उस कार्य को वो पूरा ना करें बल्कि आगे के कार्यों के लिए अपने आप को तैयार करें ताकि वो इस 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 चीज़ में आगे बढ़ सकें ना केवल यू नो you know, अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे बट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी उनकी ग्रोथ हो डेवलपमेंट हो जिससे उनका मोटिवेशन बना रहे विवाह का मनोबल बनाए रखना मनोबल मतलब कि उनको मोटिवेट करना उनके उनके यू नो मोरल को मेंटेन करना अगर एम्प्लॉय का मोरल और एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो वो अपने कार्य को हमेशा सुनिश्चित तरीके से पूरे करेगा नहीं तो स्ट्रेस के कारण कुछ ग्रीव्यांसिस के कारण उसका उसका कार्य करने का मन नहीं करेगा और उसका मोरल और मोटिवेशन डाउन हो जाएगा तो मानव संसाधन प्रबंधन की जो जिम्मेदारियां हैं वो ये हैं कि अपने सारे ही कर्मचारियों का शुरुआती दौर से ले जब वो ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती होते हैं और जब तक वो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहते हैं बल्कि उसके बाद भी उनका ध्यान रखना उनके साथ जुड़े रहना और उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू ग्रोथ कराना आगे हम देखें मानव संसाधन प्रबंधन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर हम देखें तो उसका उद्देश्य क्या है मानव संसाधन प्रबंधन किस उद्देश्य के साथ कार्य कर रहा है तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानव संसाधन ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि मानव संसाधन नीतियों पे प्रबंधन को सलाह देना कि संगठन के पास अत्यधिक प्रेरित और प्रदर्शन करने वाला कार्यबल है लोगों को परिवर्तन से निपटने और उनके कानूनी रोज़गार दायित्व को पूरा करने के लिए सुजित किया गया है बेसिकली इसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन हाईली डेवलपमेंट एंड मोटिवेटिंग टीम फोर्स को तैयार करें वर्क फोर्स को तैयार करें जिसके अंतर्गत वो ये समझें वो ये जानने की कोशिश करें कि कैसे उनके लीगल और कंप्लाइंस जो हैं ऑब्लिगेशन हैं उन्हें वो फुलफ़िल कर पाएँ मानव संसाधन का दूसरा उद्देश्य यह है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करें रिक्रूटमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अट्रैक्ट हों आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करने के लिए आगे बढ़ें तो उसके लिए उनको इम्प्लॉय ब्रांडिंग भी करनी पड़ती है अपने प्रचार करने पड़ते हैं ताकि लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करें कैसे उनको हायर करें उनको रिवॉर्ड करें ताकि उनका मोटिवेशन बना रहे और उनको मेंटेन और डेवलप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम कराएं। मानव संसाधन का उद्देश्य ये है कि वो हैंडल करे क्राइसिस को अगर कोई डिफिकल्टी है कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इम्प्लॉयीज़ को समस्याएँ आ रही हैं कर्मचारियों का कार्य करने में दिक्कत है कोई उनके मन में मन मुटाव है या कोई आ, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर उनको लगता है कि वो अब किससे जानकारी ले या किससे बात करें तो उन सारी चीज़ों को सुनिश्चित कराना उनको सेफ़ एनवायरनमेंट एक प्रोटेक्टेड सेफ प्लेस प्रोवाइड करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये भी ध्यान रखता है कि कैसे वो एक कनेक्टिंग लिंक बना सके एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच वो एक बीच में आप ये समझिए कि एक एक तरीके से ये कार्य करता है कि वो दो लोगों को जोड़ रहा है एक तरफ एम्प्लॉई है एक तरफ एम्प्लॉयर है तो वो एक एक, एक माध्यम है जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ अपनी समस्याओं को कहते हैं और एम्प्लॉयर उन पर ध्यान देता है दे एक्ट एज अ कस्टोडियल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड मानव संसाधन के प्रबंधन के संगनाथम मानकों और मूल्यों के संरक्षण के रूप में कार्य कराना ये एक मानव संसाधन का उद्देश्य है इसी में आगे चलें तो हम बात करते हैं मानव संसाधन प्रबंधन का ये जो डायग्राम है वो आपको बताएगा कि किन किन चीज़ों पे ये ध्यान देता है और क्या क्या आस्पेक्ट्स हैं जिनको ये फुलफिल करता है जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यस्थल की संस्कृति वर्कफोर्स एनवायरनमेंट एंड वर्कफोर्स कल्चर आज के समय में जब हम वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की बात करते हैं या हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं तो उस कल्चर को हम कैसे मेंटेन करें किस तरीके से हम एम्प्लॉज को यह सुनिश्चित करा सकें कि वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में एक ऐसे कल्चर में काम कर रहे हैं जहाँ पर उनकी हर चीज़ का ध्यान दिया जाएगा उनके हर रिलीजन का उनके कल्चर का उनकी ज़रूरतों का उनकी आवश्यकताओं का ध्यान दिया जाएगा ताकि वो सेफ और सिक्योर महसूस कर सकें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो ध्यान है वो है प्रेरणा और प्रोत्साहन अगर हम अपने कर्मचारियों को मोटिवेट नहीं करें अगर हम उनको इंसेंटिव ना दें तो कार्य करने में उनका मन नहीं रहेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनको रिटेन करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें समय समय पर एक मोटिवेशन दें उनको अवार्ड करें उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें ताकि उनका मनोबल बना रहे और उस मनोबल के प्रति कार्य करने से उनकी क्षमताएं बढ़ें उनकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा हो रिक्रूटमेंट करना जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं मानव संसाधन का जो एक इम्पॉर्टेंट रोल है वो रिक्रूटमेंट करना है भर्ती करना है कि हमारे यहाँ किस तरह की, की नौकरियाँ हैं किस तरह की, की जॉब्स हैं उनका विश्लेषण करने के बाद हमें किस तरह के लोगों की ज़रूरत होगी कितने लोगों की ज़रूरत होगी उनका रिक्रूटमेंट करना जगह जगह पे इश्तहार देना लोगों की एप्लीकेशन इनवाइट करना और रिक्रूटमेंट के साथ साथ सही इंडिविजुअल का सिलेक्शन करना ठीक है सिलेक्शन जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और बहुत ही ज़िम्मेदारी का एक कार्य है जो मानव संसाधन करता है क्योंकि अपने एम्प्लॉज़ को अपने कर्मचारी को ढूंढ पाना जो हमारे जॉब को हमारे कार्य को पूरी तरीके से कर पाएगा वो एक रोल ये प्ले करता है उसके बाद रिटेंशन पे ध्यान देता है अवधारणा जिसमें हम लोगों को लेकर तो आए हैं और उन लोगों को कितने समय तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़े रखेंगे और उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक अच्छा कल्चर प्रोवाइड करें उनको मोटिवेट करें उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें ये सारी ही चीज़ें रिटेंशन में काम आती हैं अगर एम्प्लॉई को आप अपने लंबे समय तक जोड़ना चाहते हैं अपने व्यवसाय से और वो चाहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो जुड़ी रहे आप साथ बनी रहे तो आप उनको एक ऐसा कल्चर प्रोवाइड करिए जिसमें काम करने में उनको सेफ़ हो सिक्योरिटी महसूस हो उनको मोटिवेशनस मिलते रहें उनको इंसेंटिव्स मिलते रहें कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान के साथ तभी जुड़ा रहता है जब उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो बेसिक नीड्स हैं वो अगर फुलफ़िल होती रहें तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन से लंबे समय तक जुड़ा रहेगा जॉब डिस्क्रिप्शन दो तरीके के हमारे विश्लेषणाएं है होती हैं कार्य में जिसको कि हम एक जॉब स्पेसिफ़िकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन का नाम देते हैं जॉब स्पेसिफ़िकेशन वो है जिसमें कि हम बताते हैं कि हमारे जो जॉब है उसमें हमें किस तरीके के लोगों की रिक्वायरमेंट होगी किस तरीके की स्पेसिफिकेशन हमें चाहिए और जबकि जॉब डिस्क्रिप्शन वो है जिसमें हम बताते हैं कि हमारा जो कार्य है वो किस तरीके का होगा कार्य की विवरणियाँ कार्य के क्या रोल हैं उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पूरी करनी होगी उसमें किस तरीके की चीज़ों का आपको कार्य करना होगा वो सारी जॉब डिस्क्रिप्शन जो हैं वो मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत देखी जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इम्प्लॉयिज़ एम्प्लॉयज़ के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं कितने समय के लिए लोग कार्य करेंगे किस तरीके से उनको आप सेटिस्फाई करेंगे उसको देखना भी मानव संसाधन प्रबंधन का ही रोल है अनुपस्थिति आज के समय पर ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में भी देखा जाता है कि एम्प्लॉयज़ का एब्सेंटिज़म रेट बहुत बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है उसका सीधा सीधा कारण है कि लोगों का जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है या वो कार्य के प्रति इतना रुचि नहीं रखते हैं जिसकी वजह से एबसेंटिज़म रेट बढ़ रहा है और ये धीरे 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 करके टर्न ओवर की टर्न टर्न ओवर की तरफ ले जाता है जिसमें एम्प्लॉय टर्न ओवर रेट जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है तो एबसेंटिज़म को रोकना भी मानव संसाधन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है कि कैसे वो एम्प्लॉयज़ को ये सुनिश्चित कराएं कि उनकी जो जॉब है उसमें जो भी उनकी समस्याएं हैं जिन चीज़ों को वो चाहते हैं वो पूरा करें ताकि लोग अपने कार्य को सही तरीके से करें और मनो आ, मनोबल के साथ करें डिसिप्लिनरी प्रोसीजर जो ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिनरी प्रोसीजर है किस तरह से आपको कार्य करना है कार्य केवल करना नहीं है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के कार्य को डिसिप्लिनरी प्रोसीजर के साथ फुलफ़िल करना है क्योंकि हर एक संस्थान के अपने नियम होते हैं अपने कायदे कानून होते हैं उन नियम और कायदे कानून के साथ अगर आप कार्य को नहीं करेंगे तो आपको उसके खामियाजें भुगजने पड़ेंगे इसके लिए कार्य कराने से पहले आप ये देखें कि आपके कर्मचारी उस डिसिप्लिनरी प्रोसीजर को फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनके कार्यस्थल में स्वास्थ्य और सुरक्षा का सुरक्षित करना ये मानव संसाधन प्रबंधन की जिम्मेदारी है और शिकायतें करने की प्रक्रिया अगर किसी कर्मचारी के मन में कोई समस्या है अगर किसी कर्मचारी को लगता है कि मुझे किसी चीज़ के बारे में कोई शिकायत करनी है और उसको उसके बारे में कोई ग्रीव्यांश है उसके मन में कोई कन्फ्लिक्ट है तो उसको वो किस तरीके से दर्ज कराएगा किसके पास लेके जाएगा किससे वो शिकायत करेगा उन सारे प्रोसीजर्स को बताने की जिम्मेदारी भी मानव संसाधन प्रबंधन की है अब हम बात करेंगे एच के फंक्शंस की एच का क्या कार्य करता है उसके फंक्शंस क्या हैं तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक एच मैनेजमेंट की सामरिक मानव संसाधन प्रबंधन स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहता है कि आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने के लिए एक बहुत स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस तरीके से हम सारी चीज़ों को सुरक्षित करें जो हमने उद्देश्य देखे मानव संसाधन के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको फुलफ़िल करने के जो भी हमारी स्ट्रेटजीज हैं पॉलिसीज़ हैं उसको हम डिफाइन करें लोगों को एक सर रोजगार अवसर प्रोवाइड करें ये बहुत ज़रूरी है आज के समय पे जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं डाइवर्सिटी की बात तो हमने करी ही लेकिन अब हम बात करेंगे इक्वालिटी की लोगों को एक साथ जोड़े रखने के लिए हम उन्हें इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोगों के मन में एक आएंगे उनके मन में कन्फ्लिक्ट आएंगे और जिससे कि उनका मनोबल कम होगा स्टाफिंग को देखना मानव संसाधन का कार्य है जिसमें हम शुरुआत से कह रहे हैं कि स्टाफिंग का मतलब है एम्प्लॉय को लाना सही इंप्लॉई को सही जॉब पर प्लेस करना तभी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा टैलेंट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट टैलेंट मैनेजमेंट मीन्स आप लोगों की क्षमताओं के हिसाब से प्रतिभा प्रबंध और विकास प्रबंधन और विकास आपको ये देखना होगा कि आपके इम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या क्षमताएं और क्या प्रतिभाएं रखते हैं उसके ही हिसाब से आप उनको मैनेज करें उनका प्लेसमेंट करें डिफ़रेंट जॉब्स पे ताकि आपको सही रिजल्ट मिल सके और साथ ही साथ उस टैलेंट को आप इम्प्रूव करें उनका विकास कराएं पुरस्कार करना टोटल रिवॉर्ड्स uh, का मतलब है कुल पुरस्कार आप उन्हें कितनी बार पुरस्कृत कर रहे हैं कितनी बार आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि वो इस कार्य को सही तरीके से परिपूर्ण करें जोखिंग प्रबंधन और कर्मचारी संरक्षण इसका मतलब है कि आप रिस्क मैनेजमेंट पर भी ध्यान दें बहुत सारे कार्य बहुत सारे संस्थान बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जहाँ पर रिस्क के बहुत सारे चांसेस हो तो उन रिस्क को कैसे आप मैनेज करेंगे उनको रिड्यूस करेंगे ताकि इंप्लॉयज़ को सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट आप प्रोवाइड कर सकें और कर्मचारी और श्रम संबंध बहुत जरूरी है कि इम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉयर का एक जो संबंध है आपस में एक रिलेशनशिप है उसको आप सही तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएँ एच सभी प्रबंधों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मानव संसाधन का प्रबंधन करने में विफल होने से निम्नलिखित समस्याएं होती हैं अभी तक हमने बात की थी मानव संसाधन प्रबंधन क्या कार्य क्या उद्देश्य रखता है लेकिन अगर हम ये देखें कि मानव संसाधन प्रबंधन अगर किसी संस्थान में ना फॉलो किया जाए अगर उसको हम सही तरीके से नहीं करें तो क्या क्या समस्याएं देखने को हमें मिलेंगी या क्या उसका रिज़ल्ट होगा तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नौकरी के लिए गलत व्यक्ति को भर्ती कराना जैसा कि हमने कहा कि सही व्यक्ति को सही जगह पर प्लेस करना बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है और अगर हमने किसी गलत व्यक्ति को किसी गलत कार्य पर रख दिया तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर वो व्यक्ति उस कार्य को करने में परिपूर्ण नहीं है तो डेफ़िनेटली इससे किसका नुकसान होगा एक संस्थान का संस्थान ये चाहती है कि सही लोग आएँ अगर गलत लोग उस कार्य को करने लगेंगे या गलत व्यक्ति की भर्ती हो गई किसी वजह से आपने उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया तो उसके खामियाजे भुगतने पड़ेंगे उच्च कारोबार का अनुभव करें एक्सपीरियंस हाई टर्नओवर मतलब कि अगर आप आप अगर ह्यूमन रिसोर्स प्रबंधन नहीं होगा तो आपके जो कर्मचारी हैं वो जल्दी 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 जल्दी, जल्दी आपके संस्थान को छोड़कर जाएंगे क्योंकि मानव संसाधन प्रबंधन ही इन सारी चीज़ों का ख्याल रखता है कैसे एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है लंबे समय तक अपने संस्थान से जोड़े रखना है उनके सेफ्टी का, का, का उनकी सिक्योरिटी का उनके ग्रीवियांस का उनकी कंप्लेंट्स का इन सारी चीज़ों का जो जिम्मेदारी है वो मानव संसाधन प्रबंधन पर ही है और अगर मानव संसाधन प्रबंधन इन जिम्मेदारी को फुलफ़िल नहीं करता है तो कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयीज़ के टर्नओवर रेट को आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी मिसफिट है आपकी जो नौकरी होगी उसमें कहीं मैच नहीं होगा क्योंकि आपने सही जगह पर सही इंसान को नहीं रखा है फालतू के इंटरव्यू में समय की बर्बादी आप क्या कर रहे हैं अगर आप एक सही प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो समय है वो व्यस्त होगा आपका जो समय है वो बर्बाद होगा और इससे आपको सही कर्मचारी भी हासिल नहीं होगा कर्मचारियों और यहाँ तक कि कर्मचारियों की शांति के बीच शिकायतों का नेतृत्व करें आपके एम्प्लॉयज़ अनरेस्ट हो जाएंगे उनको पीस नहीं होगा उनको बहुत सारे ग्रिव्यांसिस होंगे लैक ऑफ ट्रेनिंग मानव संसाधन जैसे हमने कहा कि उनका कार्य है कि अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना उनको डेवलप करना अगर हम मानव संसाधन सही तरीके से नहीं रखेंगे तो हमारे एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेन नहीं कर पाएंगे उनको हम डेवलप नहीं कर पाएंगे कोई भी अनुचित श्रम व्यवहार करें आपके एम्प्लॉयज़ को हो सकता है कोई अनफेयरली ट्रीट करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस बात का भी ध्यान रखता है कि आपके एम्प्लॉज़ जो हैं वो अनफेयरली ट्रीट ना हो उनको सही तरीके से कार्य कराया जाए श्रम कानूनों के संबंध में कानूनी मुद्दे में शामिल होना अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको बहुत सारी लीगल कंप्लाइंसिस में जाना पड़े जहाँ को आप जहाँ पर आपको बहुत सारे आ, लेबर लॉज के आ, तहत उन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा आगे हम बात करें अगर ऑब्जेक्ट इसकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के या मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्यों की बात करें तो इसमें हम बात कर रहे हैं सीधा सीधा हम कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्राप्ति करना मानव संसाधन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है बहुत बड़ा उद्देश्य है आपके ऑर्गेनाइजेशन को आप जिस कार्य के लिए लेके जा रहे हैं उसका अगर आपका गोल उसका ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर लेते हैं तो किसी हद तक आपने मानव संसाधन मैनेजमेंट का पूरी तरीके से प्रबंधन किया है वर्क कल्चर कार्य की जो संस्कृति है उसको आप ध्यान में रखते हैं अपने टीम को एक साथ ला के काम करते हैं टीम इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है आपके जो लोग हैं वो जुड़ के आपस में काम करें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मानव संसाधन का दूसरा उद्देश्य है कि आप लोगों को ट्रेन करें उनको डेवलप करें उनका मोटिवेशन बनाए रखें मानव संसाधन कहता है कि कार्य सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है आपके अगर एम्प्लॉइज़ एम्पावर नहीं हैं खुद डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं अगर उस कार्य को करने में अपने आप को यू you नो know, क्षमता नहीं रखते हैं अपनो अपने, अपने आप को इस लायक नहीं समझते हैं तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल होगा या उनको एम्पावर करना बड़ा मुश्किल होगा रिटेंशन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है मानव संसाधन का और किस तरीके से डेटा एंड कम्पलाइंस को वो ध्यान में रखते हैं तो इन इन ऑब्जेक्टिव्स को हम ध्यान में रखें उन उद्देश्य को हम ध्यान में रखें तो हम बोलते हैं कि मानव संसाधन जो है वो इन सारे ही विषयों पर ध्यान देता है और इनको परिपूर्ण करने की पूरी तरीके से कोशिश करता है नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का सब सिस्टम का अगर हम इसको अपने आ, जैसा कि हमने कहा मानव संसाधन मानवों के बारे में है लोगों के बारे में कर्मचारियों के बारे में है तो कर्मचारी एक ऐसा एस्पेक्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कि उसके मैनेजमेंट के बिना कार्य नहीं किया जा सकता मानव संसाधन प्रबंधन एक संगठन में काम करने वाले मनुष्यों के प्रबंध के संबंधित है एच एक परवेसिव फंक्शन है परवेसिव का मतलब हुआ कि ये ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे हर जगह पर हर हर स्थल पर ज़रूरी है इसका एक बहुत बड़ा वाइड स्कोप है एच एक एक वाइड स्कोप रखता है इसका दायरा बहुत बड़ा है जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत ज़रूरी है कि आप कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ कार्य करें इम्प्लॉइज़ का सेटिस्फेक्शन आपके जो लोग हैं उन्हें आप सेटिस्फाई कर सकें और उनको एक सही दिशा में डायरेक्ट कर सकें लीडरशिप और मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकें इसी के तहत जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्कोप की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है इसीलिए हमने कहा संध और श्रम का संबंध इसमें बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम लेबर और यूनियन का रिलेशनशिप हम इसमें मेंटेन करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बात करता है कंपनसेशन एंड बेनिफिट की एम्प्लॉइज़ को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके मुनाफे और फायदे की बात की जाए अगर उन्हें मुनाफ़े और फ़ायदा नहीं मिलेगा तो वो कार्य करने में बहुत ज़्यादा प्रेरित नहीं रहेंगे कर्मचारी सहायता दी जाए संगठन का विकास हो प्रशिक्षण एवं विकास हो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी ये बात करता है चयन और भराई की बात होती है सिलेक्शन और स्टाफिंग की बात होती है डिज़ाइन ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड जॉब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कितने लोग किस जगह कैसे चाहिए उन सब के बारे में हम करियर प्लानिंग की भी इसमें बात करते हैं सक्सेशन प्लानिंग की भी बात करते हैं आज जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कल को अगर वो चले जाएंगे और वो जगह अगर खाली हो जाएगी तो किस तरीके से हम उसको परिपूर्ण करेंगे या कैसे हम उसको फुलफ़िल करेंगे ये भी मानव संसाधन प्रबंधन देखता है कार्मिक अनुसंसाधन और सूचना प्रणाली के बारे में है मानव संसाधन प्रबंधन के अगर हम स्कोप को देखें अगर हम उसके दायरे को देखें तो मोर और लेस इसमें वो सारी ही चीज़ें कवर करी जाती हैं जो एक मानव संसाधन से जुड़ी हुई हैं और एक संस्थान में मानव संसाधन के विकास के लिए उसके आ, सही तरीके से कार्य करने के लिए जितनी भी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो सब मानव संसाधन के दायरे में आती हैं इसी के साथ हम आज का व्याख्यान नंबर एक खत्म करते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre existing materials, pre existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.